नमस्कार, मैं धीरज सिंह राजपूत एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ नया वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें मैं बताऊँगा आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें और कैसे व्यू करें। उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचता रहे। स्टार्ट करते हैं हम आईसीआईसी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही फ्रंट पेज पे हमारे सामने ओपन होगा एम पिन। हमें जो एम पिन डालना है, 4 डिजिट का हमारा एम पिन, हम इसमें जैसे ही डालेंगे, डालते ही ये हमारा लॉगिन के लिए ऑटोमेटिक ही प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही ये प्रोसेस होगा तो प्रोसेस होते ही ये इसका जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें जाना है सबसे पहले माई कार्ड्स पे। माई कार्ड्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ये अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, जहाँ पर हमारे जितने भी हमारे एक या एक से अधिक कार्ड है तो वो शो होने जाएंगे होने लग जाएंगे, जिसमें मुझे अपना अमेजोन में नीचे वाला जो मेन चेस्ट है उसका मेरे स्टेटमेंट देखना है। तो मैं उस कार्ड पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यह लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लोड होते ही नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, जहाँ पर हमारा कार्ड हमारा शो होने लग जाएगा। कार्ड की कुछ डिटेल शो होने जाएंगी, क्रेडिट लिमिट कितनी है, कितनी यूटिलाइजेशन कर चुके हैं और कितना अभी इसमें अवेलेबल है। तो इसके ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखने लग जाएंगी, रिवार्ड पॉइंट भी दिखने लग जाएंगे। अब हमें जाना है स्टेटमेंट पे। देखो, मैं स्टेटमेंट देखना है तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट पे जैसे ही क्लिक करूँगा, जिसमें ये बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। करंट स्टेटमेंट जो हमारा अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं और जो जमा कर रहे हैं वो दिखाई देगा। लास्ट स्टेटमेंट जो आपका पिछला बना था, जैसे आपको पेमेंट करना है वो वाला दिख जाएगा। इसके अलावा पास्ट स्टेटमेंट, पास्ट स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि जो पुराने 1 या 2 साल के जो स्टेटमेंट है वो दिखाई देंगे। एनुअल स्टेटमेंट जैसे 3 महीने का एक साथ कॉलेटेड होके आपको इसमें स्टेटमेंट दिखाई देगा। तो मुझे पास्ट स्टेटमेंट में अपना कुछ कोई महीने का जैसे डाउनलोड करना है या देखना है या शेयर करना है, तो उसके लिए मुझे पास्ट स्टेटमेंट पे जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा, देखिए पास्ट स्टेटमेंट जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। ये जो पिछले मंथ के एक एक महीने के जो स्टेटमेंट बनता है वो सारे इसमें पीडीएफ फाइल में हैं। जैसे ही मैं इसके सामने जो ओपन वाली जो ओपन वाला जो बटन है उस पर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, प्रेस करते ही ये लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लोड होते ही यह जो इसका जो स्टेटमेंट है वो आसानी से ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये स्टेटमेंट ओपन हो चुका है। इसको ऊपर से जाके शेयर भी कर सकते हैं, जो एरो का बटन लगा है वहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप अपने एक्सपेंसेस मैच भी कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से हम आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आसानी से ऐप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेहनत पसंद आई हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।